मैं लेवल के साथ उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आज का मेरा ब्लॉग मुझे लगता है बहुत ही मजेदार होने वाला है, क्योंकि आज मैं अपना ब्लॉग शूट करने सड़क पे जा रही हूँ। अभी इस वक्त मैं घर पर सड़क पे जा रही हूँ, और सड़क पे जाने का मकसद मतलब रोड पे जाने का मकसद ये है कि आपको पता है रमजान का महीना है, और मैं जिस शहर में रहती हूँ उसे कराची कहते हैं। एक कहावत है कि जब आपको घर से अच्छी तारी बाहर मिले ना, तो आप समझ जाना कि आप पाकिस्तान के शहर कराची में हैं। ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कराची का जो शहर है वो रमजान के महीने में एक अलग ही मंजर पेश कर रहा होता है। हर रोड पर, हर पुल के नीचे आपको लोग दिख रहे हैं जो तारी बांट रहे हैं। मेरे साथ एक वाक्य पेश आया था, कुछ दिनों पहले हम गए थे काम से और मैं बहुत लेट हो गई है, मैं वहां जल्दी वापस आया था, गाड़ी चलाते हुए तेज, तो वहां पर बकायदा लोग रोक रहे थे, अजान हो चुकी थी शाम में, लोग रोक रहे थे नहीं खजूर खा लो पानी मेरी जबरदस्ती, क्योंकि मैं चाहती हूँ घर पर आके इफ्तारी करूँ, लेकिन बहुत जबरदस्ती होते थे कि नहीं खा लो। ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पर ऐसा होता है कि अगर जब कोई देता है तो वो नहीं होता कि आपको रोजा है नहीं है या आप क्या हो, तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं चाहती थी कि मैं आपसे शेयर करूँ। और इससे अच्छी बात पता मुझे क्या लगी, मुझे चला कि यहाँ पर कराची में ये बल्तिस्तान के कुछ लोग हैं जो ये काम करे कोई ऑर्गेनाइजेशन, तो मुझे क्यों नहीं वहाँ चलते हैं हम, वैसे मैं सोच रही थी विजिट का, तो मुझे अपने लोगों के पास चलते हैं वहाँ मुझसे पूछते, क्योंकि ये बल्तिस्तान के लोग हम देखते हैं क्या कोई फैमिली या फिर ज्यादातर यहाँ पर जो होते हैं कराची में वो होते स्टूडेंट्स जो बल्तिस्तान से यहाँ आए हुए थे पढ़ने के लिए, ठीक है, जिन्हें अपना खर्च नहीं उठा सकते पूरा, मतलब ऐसे कि बहुत मैं समझा लेते हैं, मुझे हम चलते हैं हमसे पूछते हैं किस तरह से करें देखते हैं। और मुझे तो आज मैं भी इफ्तारी की ना बाहर कर लूँ, क्योंकि मुझे बड़ा शौक है इफ्तारी बाहर करने का, तो इसे मुझे हम लॉगिंग करते हैं एंड लेट्स सी जो है शाम, ठीक है शाम मतलब होने वाला है, मैं तैयार हूँ, हम जाएंगे वहाँ, मैं आपको दिखाऊंगी सारा मंजर कैसा, और मुझे बहुत पसंद है शाम के टाइम पे जो और रमजान में जो मंजर होता है ना बाहर का, वो अलग ही होता है, मतलब हर जगह पे कोई ना कोई बंदा कुछ लिए हाथ में दिख रहा हुआ कि वो देर खा लें कुछ खा लें, मुझे बहुत पसंद है चीज़। तो हम आज चलते हैं, आज मजा आने वाला है, बाहर जाके खाएंगे इफ्तारी करेंगे दिखाएंगे, तो या करेक्ट मैं तैयार हूँ चलेंगे फिर आपको दिखाएंगे, वेट तब तक के लिए ready and I have to go because हम वहाँ जाके लेट ना हो जाए, क्योंकि हमें वहाँ जल्दी जाना है, हमें सिर्फ खाना नहीं है, वहाँ दिखाना है, मैंने आपसे कहा था कि सो दैट्स वाई, इसलिए हमें जल्दी जाना है, तो मैं बस रेडी हूँ, बस निकलते फिर वहाँ पहुँच आपको दिखाऊंगा, सो स्टे ट्यून्ड विद मी। जी बिल्कुल माशाल्लाह, मेरे पास जो अक्सरियत गिलगित बल्तिस्तान के लड़कों की है और साथ ही साथ मेरे कुछ और दो कराची के शहरी लड़के भी हैं। इस तारीख का काम हमने अल्हम्दुलिल्लाह यकुम रमजान से यहाँ आगाज किया इसी साल 2022 में, बाकी एक इरादा रखा था, क्योंकि पाकिस्तान के हालात आप भी देख रही हैं, हम जैसे आप जैसे नौजवान लोग घरों में खुदकुशियाँ कर रहे हैं, उसकी बेसिक वजह खाने के ना होने की और दूसरा बेरोजगारी है। तो मैं भी एक नौजवान हूँ, मैं भी इस दर्द को दुख को समझते हुए मैंने इस काम का आगाज़ किया, सोचा कि जो लोग एक प्लेट खाना ना होने की वजह से अपने बच्चों को मार रहे हैं, अब खुद खुदकुशियाँ कर रहे हैं, तो खुदा ने एक वसीला बनाया, मैंने खुदा से इल्तिजा की कि या अल्लाह ऐसा वसीला बना कि जिसके तुफैल मैं भी लोगों की खदमत करूँ। हाँ वैसे बिल्कुल ऐसे ही है, हम एक इदारे के थ्रू काम कर रहे हैं, कुछ लोग रोड के उस पार भी इफ्तारी लगाते हैं माशाल्लाह, हमारे अहले सुन्नत बरादरान हैं, वहाँ पे भी इफ्तारी का रोज़ाना सिलसिला है, लेकिन वो हमसे यहाँ के पूछते रहते हैं आपको, क्योंकि हमारे यहाँ पर आपने देखा नौजवान लड़के हैं, कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, कुछ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, कुछ एक आध जो है जॉब वगैरह करते हैं, में यहाँ पर आते हैं 4 बजे, हम अपनी तैयारी करते हैं, इफ्तारी वगैरह करके नमाज वगैरह पढ़ के हम घरों में जाते हैं, फ्रेश होते हैं, उसके बाद हम निकलते हैं JDC दस्तरखान पे खतमत अंजाम देते हैं। जफर भाई जो सालाना पाकिस्तान एशिया की सबसे बड़ी शहरी का तमाम होता है JDC का, वहाँ पे वॉलंटियर की ज़रूरत थी, जफर भाई ने लास्ट टाइम मैसेज दिया था, क्योंकि वो मेरे दस्तरखान पर आए थे, उन्होंने यहाँ पर आकर उस अफजाई की, मुझे ये खुशी हुई, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रोज़ाने की बुनियाद पर मेरी टीम वहाँ जाती है, मैं यहीं को सलूट करता हूँ कि इफ्तारी में यहाँ होते हैं और शहरी में 4-3 घंटे हम सदर फजर पढ़कर हम घर आते हैं। दस्तरखान का हमने आगाज इस साल किया, बाकी राशन की डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ राशन की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमने कोरंगी में मुख्तलिफ फैमिलीज जवान लड़कियाँ हैं जो जहेज को लेकर परेशान थी, हमने 5 से 6 खवातीन की लड़कियों की शादी करवाई है, जहेज 1.25 लाख का जहेज दिया उन्हें, और कुछ हमारे जो मेडिकल के मामला हैं उस पर हमने सपोर्ट करी है, नहीं ये परचेज करते हैं, बनाने की तो हिम्मत नहीं है, क्योंकि तकरीबन 200-300 समोसे आते हैं,
सैटरडे संडे हमारे पास 400 से 500 फराद आते हैं, वैसी मिनिमम तकरीबन 250-300 हमारी प्लेटें बनती हैं। आपने देखा 300 प्लेटें हमारी जो है ना एंड हो जाती है, जब हमारे वॉलंटियर बैठते हैं तो हम अपनी प्लेटें खुद तैयार करते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि हमारे वॉलंटियर पानी और शरबत में तारी करके घर चले जाते हैं, हमें खुद खाने को नहीं मिलता। अब उसमें बेसिक रोजाना की तारीख का जो हमारे अखराजात है 25,000 रुपये हैं, ओवरऑल डेली के 25,000 रुपये हमारे खर्चा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कल ही रात को, मेरे पास एक वीडियो मौजूद है जो हमें किसी दोस्त ने हमें राशन भेजे थे 20-25 फैमिलीज के लिए, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने रात की तारीख़ में किसी से हमने कोई तस्वीर नहीं ली किसी मुस्तहिक की, ना हमने किसी के घर की तस्वीर ली, ना हमने किसी से दरख्वास्त ली है। वक्त हमें पता है भाई ये फिलहाल बंदा है, लोग आ रहे हैं कि भाई हम मजबूर हैं, हमारी परेशानी, अपना नंबर दे के जाते हैं, अपनी लाइसेंस वो भी दे के चले जाते हैं। हमारे वॉलंटियर अपनी बाइक पर राशन लेके उनके दरवाजों तक पहुँचा रही है। हमारा जो है ना कल 15 रोजा था, हमने पहली राशन का जो है ना किट जो हमने कल स्टार्ट किया है। उम्मीद करते हैं आगे 30 रमजान में मुबैरा रात कोई भी हो वो इस तरह, क्योंकि हमने अपना मकसद जो हमारे दायरे का, हमने पैसे नहीं लेना किसी, हमने जितने मेरे पास लोग आ रहे हैं वीडियो बनाने वो पूछते हैं कि आप कितना पैसा मांग रहे हैं, कितना डोनेशन आ रहा है, मैंने किसी से पैसे की फरमाइश नहीं करी है। मेरे इदारे की खासियत ये है कि अगर कोई एक पानी की 20 रुपये की बोतल दे सकता है वो इस इदारे में पानी की बोतल लेके जाए, खामोश ना रहे, क्योंकि हर मैं कहता हूँ कि छोटे से छोटे शख्स को अल्लाह ताला ने इतनी हैसियत दी है कि वो 20 रुपये का जूस खरीद के दे सकता है। अगर 20 अफराद मुझे यहाँ 20 जूस दे के जाएंगे तो 20 रुपये का दारों की इफ्तारी होगी, 20 गरीब लोग जूस पियेंगे उनके चेहरों पर मुस्कुराहट आएगी, इसकी कोई औकात नहीं है, 2 महीने में हजम हो जाता है, लेकिन आपके 20 रुपये किसी के चेहरे की मुस्कुराहट का बाइस बनता है। शुक्रिया, मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा, आप वक्त निकाल कर यहाँ आई हमारी हौसला अफजाई की, बिल्कुल ये हमारा हक था क्योंकि हम रोड पर काम कर रहे हैं, अगर आप अप्रिशिएट करेंगे तो शायद हमें जो है ना हमारा दिल बड़ा होगा, क्योंकि हम ये नहीं कह रहे कि हर बंदा हमें आगे पैसे दे, हमें सपोर्ट करे, अगर आगे कोई शाबाश बोलता है ना हमें खुशी होती है, तो ये खुशी आपने दी हमें, बहुत शुक्रिया आपका और आपकी पूरी टीम का, बस दुआ में आमीन आमीन दुआ में याद रखें, बहुत शुक्रिया आपका। पहुँच गई और मुझे बड़ा मजा आया इस रोड पर इफ्तारी करने का। आई जस्ट वांट टू टेल यू गाइस दैट वी शुड सपोर्ट देम बिकॉज वो लोग जो है ना वो अशरफुल मखलूकात होने का सबूत दे रहे, पता है इस भरोसे से कर रहे कि अल्लाह हम अल्लाह के बंदों को देंगे तो अल्लाह हमें देगा, वो ही नहीं कर रहे कि नहीं हमें पहले अपना हिस्सा निकालना है फिर हम उनके लिए करेंगे, बस कर रहे अपने दूसरों के लिए। हमें भी अपनी हैसियत के मुताबिक थोड़ा थोड़ा देना चाहिए ताकि जो अगले बंदे हम सब मिलकर देंगे तो अगले एक बंदे का पेट ज़रूर भर जाएगा, ठीक है। तो मैं सलाम पेश करती हूँ उन नौजवानों को, उन भाइयों को कि जो ये काम कर रहे हैं अल्लाह की रजामंदी हासिल कर रहे हैं, तो उन्हें और क्या चाहिए, हमें भी उनकी मदद करनी चाहिए। और जो जो ये काम कर रहे हैं सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के लोग नहीं, जो कोई काम कर रहे हैं मौला उनके इसमें बरकत अता फरमाए, अल्लाह उनकी इन तमाम आमाल तमाम खिदमात को अपनी बारगाह इलाही में कबूल फरमाए। और आप सब अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह जल्द आऊँगी न्यू व्लॉग के साथ, अल्लाह हाफिज़।